So let us discuss the KVP paper. This is the first question of essay code. Essay code 2020. This is first biology question, 46 number. तो इसीलिए क्या है H2O plus CO2 is converted to H2CO3. This is converted to H plus plus HCO3 minus. ठीक है. So this is what is the reaction. Now, अगर this reaction में हम carbonic anhydrase लेते हैं, ये at the rate of क्या होता है 36 million molecules per minute per enzyme. And अगर without carbonic anhydrase लेते हैं तो ये at the rate of 200 molecules per hour. 200. So this is 3.6 molecules per minute. Understood? तो ये हम already, ये हमने enzymes में भी कर लिया था. तो ये बहुत जगह हमारा किया हुआ topic है. क्लियर? यस सर. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड. चलिए, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसुलिन स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू, बताइए. यहाँ ये एक मिसकंसेप्ट है लोगों का, ये याद रखना. दिस इज अ ह्यूज मिसकंसेप्ट, तो ये याद रखना. स्पेशली फैट पीपल लाइक आत्मन एंड जजेस शुड अंडरस्टैंड दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. एक है लो ग्लाइसेमिक एंड एक है हाई ग्लाइसेमिक. हाई ग्लाइसेमिक का मतलब क्या है? इंक्रीजेस ब्लड शुगर वेरी फास्ट. तो अगर आपका हाई ग्लाइसेमिक होगा तो इमीडिएटली दिस अट्रैक्ट्स क्या? इंसुलिन. And insulin will convert blood glucose to fats. समझ रहे हो? तो ये उसको पहले fats करेगा and फिर glycogen भी करता है, but mainly fats. ये याद रखना. तो ये actually एक mistake concept है जो कि अभी तक रह गया है, but अगर आप ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हो जो लो ग्लाइसेमिक होता है, सो दिस स्टिम्युलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ग्लाइकोजन एंड इट्स यूज एंड ग्लूकोज का यूज होगा. अंडरस्टूड? बट जनरली जो कंसेप्ट हम लोग क्या सोचते हैं कि इंसुलिन ग्लाइकोजन बना लेता है, तो इसलिए इस केस में आंसर स्ट्रेट क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन हो जाएगा, क्योंकि एक तो यहां फैट्स है भी नहीं तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है. क्लियर? चलिए, इसलिए जो लोग फैट लोग होते हैं, लोग जितना भी डाइटिंग फैटिंग करने के बाद भी देखोगे उनका फैट कमता नहीं है, क्योंकि ना दे लव्स दोज फूड्स विच आर स्वीट, है कि नहीं? चलिए, सर ऊपर शायद एक क्वेश्चन रह गया 47 वाला. कौन सा? हाँ, which of the following is not a function of small intestine? Absorption होता है, digestion of proteins होता है, तो यहाँ दो दो digestion होता है, एक pancreatic juice वाला, एक intestinal juice वाला, so दोनों digestion होता है, digestion of lipids होता है, again pancreatic juice वाला, इंटेस्टाइन जूस वाला, बट एसिडिफिकेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड नहीं होता है. ठीक है, सो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा. क्लियर? यस सर. और क्या है हमारा? देखो,
आप देखो प्रोटॉन मोटिव फोर्स देख रहे हो, ये हमारा कराया कराया टॉपिक डायरेक्टली क्लास में आया है. प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज क्रिएटेड बाय पंपिंग प्रोटॉन्स अक्रॉस. तो कहां कहां प्रोटॉन मोटिव फोर्स यूज होता है बोलिए. सो दिस इज कॉल्ड द आल्सो कॉल्ड केमिओस्मोटिक पोटेंशियल. ओके केमिओस्मोटिक पोटेंशियल. तो आपका एक तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है एंड दूसरा कहां होता है क्लोरोप्लास्ट. फाइन सो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए आपका जो प्रोटॉन ही रिमेम्बर आर नॉट ये वाला चीज जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं. ओके यस सर. एंड इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपका जो वो साइक्लिक पाथवेज है लाइट लाइट रिएक्शन वाला. ठीक है जी. दोनों एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, फिर प्रोटॉन डाउनहिल आता है तो इमिडिएटली क्या करता है वो एटीपी सिंथेसिस करता है. Which one of the following is X-linked recessive? ये तो very easy question है. आप जानते हो X-linked recessive hemophilia है and color blindness है. Okay? Yes sir. Phenyl ketone class में किया था. Autosomal recessive. Sickle cell anemia, autosomal recessive. Beta thalassemia, autosomal recessive. ठीक है जी. चलिए यस सर लेट्स गो अहेड. अगेन देखिए ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है. आप जानते हो दैट राइज टू फ्रूट एंड सीड्स इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट. तो आप जानते हो फ्रूट किससे बनता है, मॉडिफिकेशन ऑफ राइपेंड ओवरी ओवरी ओवरी. ये yes, आपका होता है क्या ओव्यूल. क्या होता है ओव्यूल. ओव्यूल. तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ओवरी एंड ओव्यूल. ठीक है यस सर. दो ये रहा द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन अरोज फ्रॉम एडवर्ड जेनर्स ऑब्जर्वेशन. तो एडवर्ड जेनर ने क्या देखा था, तो काउपॉक्स. एडवर्ड जेनर ने देखा कि एवरीबॉडी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एक्सेप्ट मिल्क मेड्स. ओके तो उन्होंने देखा कि दुनिया में हर किसी को आपका स्मॉल पॉक्स होता है, बड़ी जो दूध निकालने वाले लड़कियां हैं उनको कोई स्मॉल पॉक्स नहीं होता है भैया. ये कौन सा भेदभाव है भगवान का. तो फिर वो जाके ऑब्जर्व किए, तो वो जहां से दूध लाते थे एक लड़की थी उनका नाम था सराह नेल्म्स. ओके तो सराह नेल्म्स से वो दूध लाया करते थे. तो उन्होंने देखा कि काओ को एक डिजीज होता है काउपॉक्स. तो सारा को वो डिजीज हो गया काउपॉक्स. उसके बाद वो ठीक हो गई. ओके ठीक हो गई. उसके बाद नेवर स्मॉल पॉक्स. ठीक है तो उनको लगा कुछ ना कुछ तो ये काउपॉक्स करता है कि स्मॉल पॉक्स नहीं होता. तो उनके पास एक लड़का काम करता था, उसका नाम था अगेन जे आ गया देखो जेम्स फिप्स. तो उन्होंने सबसे पहले उनको इंजेक्ट किया क्या काउपॉक्स वायरस. फिर वो ठीक हो गए. फिर उनको इंजेक्ट किया स्मॉल पॉक्स वायरस बट नथिंग हैपेंड. तो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन. तो लैटिन भाषा में वैक्का का मतलब होता है काओ. काओ. ओके सो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी.
चलिए सो अब चलते हैं आगे. अगेन दिस वेरी सिंपल क्रॉस, तो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है कि नहीं. तो अब इसके कितने गैमिट बनेंगे, एक गैमिट बनेगा एबीसी. इसके कितने गैमिट बनेंगे, एक गैमिट बनेगा एबीसी. तो एफ वन क्या हो जाएगा, ए स्मॉल बी, बी स्मॉल बी, सी स्मॉल सी. तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितना हो गया, थ्री. सो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, नंबर ऑफ गैमिट्स इज इक्वल टू 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 द पावर एन. तो हियर एन इक्वल टू थ्री. सो कितना होगा गैमिट्स, टू टू द पावर थ्री इक्वल टू एट गैमिट्स. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एट गैमिट्स. क्लियर? यस सर. अब ये देखिए आ गया फिर माइटोसिस मियोसिस, बट ये तो काफी आसान. यस सर, आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए. ये देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन था. अगेन ये मैं क्लासरूम में पढ़ाते समय बोल के रखा था ये क्वेश्चन आएगा, टेंथ में भी बोला था, इलेवेंथ में भी बोला है, एटसेट्रा. तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम. ओके, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम कभी नहीं निकलेगा. एक नॉर्मल पर्सन में रेसिडुअल वॉल्यूम will never come out. Suppose normal expiration लिखा होता तो इसका आंसर हो जाता FRC. Okay. चलिए तो इसका आंसर हो गया residual volume. अब इसको मैच करिए, ये तो वेरी वेरी इजी है. तो मलस्का रेड्यूला, एनेलिडा सेगमेंटेशन, नेमाटोडा सुडोसिलोम, एकानोडर्माटा रेडियोसमेंट. कोई शक? नो सर. नो सर. चलिए आगे. ये हम लोग इंस्टेंटली क्लास टेंथ में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आया कि अदर देन डार्विन नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र किसने किया था, एंड हिज नेम इज अल्फ्रेड रसल वैलेस. समझे कि नहीं? तो वैलेस जो मलायन आर्किपेलागो में स्टडी किए थे, जबकि डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड्स पे ज्यादा काम किया था, एंड दोनों का जिक्र सेम था, तो इसीलिए बोथ बिलीव्ड इन दिस थियरी. ओके, एक्चुअली डार्विन इतने खुश हो गए कि भाई मेरे जैसा कोई और भी सोचता है, तो इसलिए फटाफट उन्होंने अपना सारा काम एक चिट्ठी में लिखकर उनके दोस्त चार्ल्स लायल को बोला कि आप इसको थोड़ा वैलेस को भेज दीजिए. तो चार्ल्स लायल ने बोला भैया क्या भेज रहे हो, तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा ऐसा है, उस बंदे ने ऐसा ऐसा किया है, तो मैं अपना सारा काम उनको लिख के भेज रहा हूँ. तो उन्होंने बोला अरे मंद बुद्धि, तुम अपना काम उसको क्या लिख के भेज रहे हो, उनको बोलो कि तुम्हारा उनका डिटेल्स तुम्हें भेजेंगे. एंड फिर उन्होंने वही किया, एंड देन ये थ्योरी डार्विन्स थ्योरी बन के निकला. अदरवाइज किसका थ्योरी बन के निकलता, वैलेस. वैलेस जिस बुक, जिस जर्नल में डार्विन ने निकाला था, उसी जर्नल में वैलेस का भी थ्योरी दो चार पन्नों बाद आया था. ओके, चलिए हाँ ये वाला. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. ये आप जैसे आप पढ़े होंगे कि बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जितना ऊपर ऊपर लेवल पे उतना ऊपर खतरनाक होता होता जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, जैसे आप अगर आप मछली को खाते हो, एंड आप तो आपके बॉडी में जहर बढ़ जाएगा, आपको लायन खाता है उसके और बढ़ जाएगा, एंड
लायन को बकरी खा लेती है तो उसका और बढ़ जाएगा एंड सो इन केस है कि नहीं। चलो एंड ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था इस साल का, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अंडरस्टूड? तो सार्स को भी या हमारा जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो देख रहे हो 15 में से 15 क्वेश्चन क्लियर। आप लास्ट में चले आते हैं। चलिए ये पूछा है एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोस मतलब मैनकाइंड, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? द ह्यूमन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस क्लाइमेटिक चेंज, तो ये हो जाएगा एंथ्रोपोसीन। ठीक है, तो ऐसा क्या इंसान ने कर दिया कि क्लाइमेट बदल गया? ठीक है जी, ताप और ऐसी गला मैच द फॉलोइंग, वेरी इजी। तो विटामिन ए से क्या होगा? नाइट ब्लाइंड। विटामिन डी से क्या होगा? रिकेट्स। आंसर आ गया, रिकेट्स आंसर आ गया। यस, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, फिर भी जेजे से तो करेगा। तो विटामिन बी टू से एंटी राइबोफ्लेविनोसिस होगा, बिकॉज बी टू इज राइबोफ्लेविन एंड विटामिन बी टू से परनिशियस एनीमिया। क्लियर? चलिए, सो ये भी हमारा हो गया क्लियर। चलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट इसमें कुछ रखा ही नहीं है। ये भी हमारे 10th के बच्चों ने धड़ाधड़ कर दिया। सुनो, आपका आईआरवी दिया है, आपका ईआरवी दिया है, आपका वीसी दिया है। ओके, तो इसलिए आपका क्या हो गया? तो आईआरवी ईआरवी वीसी सब दे दिया है, ब्रीदिंग रेट निक दे दिया है, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब कितना आता है कितना जाता है 24 घंटे में। बल्ले बल्ले, सुनो, तो हियर लेट अस टेक आउट अ फॉर्मूला। फाइन, कहां गया? तो आईआरवी इज इक्वल टू क्या? टीवी प्लस ए आयस, क्या मैं कर रहा हूं, सो आईआरवी दे दिया दिस, तो वीसी इज इक्वल टू क्या? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, सो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। नाउ तो अब आईआरवी दे दिया 40, ईआरवी दे दिया 15, तो और कितना बच गया? दिस इज 60, दिस इज टीवी। सो टीवी इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो, 5 ml पर केजी बॉडी वेट आ गया टीवी। नाउ तो दिस इज योर टीवी, बट वो बोल रहा है कि आपका जो एक्सचेंज कितना हो रहा है, समझे कि नहीं? तो हाउ मच इज एक्सचेंज, तो कितना एक्सचेंज होगा बोलिए, बोलो। तो आपका माने द वॉल्यूम इन ऑफ एयर दैट इट्स लंग डिस्प्लेसेस, माने लाता है एंड निकाल लेता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए आईआरवी, देखो आईआरवी का मतलब क्या है? मैक्सिमम लाना। ईआरवी का मतलब क्या है बोलो? व्हाट इज ईआरवी? मैक्सिमम छोड़ना, मैक्सिमम निकाल पाना। ठीक है जी, सो दिस इज आईआरवी एंड दिस इज ईआरवी। तो इसका मतलब जो है, आपका वाइटल कैपेसिटी दे दिया 60, ब्रीदिंग रेट दे दिया 20। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो आईआरवी माइनस ईआरवी, ओके, तो यो बच जाएगा। तो आईआरवी माइनस ईआरवी कितना हो जाएगा? तो आईआरवी माइनस ईआरवी इज इक्वल टू 25।
इनटू ब्रीदिंग रेट दे दिया है 20 पर मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 500 ml पर मिनट इनटू 60 इनटू 24, ये कितना हो जाएगा बोलो, 500 इनटू 60 हो जाएगा 30,000, है कि नहीं, 30,000, एंड इनटू 24 हो जाएगा क्या, 24 थीजा 72, 1, 2, 3, 4, ओके, तो लाइक दैट, ठीक हुआ तो, नहीं ये 30,000, नहीं नहीं, 5 इज द 3,000 एंड 60, ओके, तो ये 60,000, तो 6, हाँ, ये हो जाएगा 72,000, 4, ओके, फाइन, तो ये हमारा हो गया क्या, सो दिस इज द पर मिनट, ओके, सो ये हमारा आ जाएगा पर, दिस इज पर व्हाट, सो दिस विल कम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है जी। अब आपको निकालना है इसको, क्या है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, इसमें कुछ एक गड़बड़ कर दिया हमने, क्या गड़बड़ कर दिया, वाइटल कैपेसिटी एक्सचेंज सिस्टम, What is the mistake? हम लोग कहते हैं तो IRV हो गया 40, ओके, IRV फेंके, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो है, टाइडल वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारा, 5 ml, 5 in 5 out, है कि नहीं, तो 5 in 5 out, तो ये 10 हो जाता है, ठीक है जी, दिस इज 10, 10 ml एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज 10 ml एक्सचेंज, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इट्स लंग्स डिस्प्लेसेस, लंग्स डिस्प्लेसेस, ओके, सुनिए, तो लंग डिस्प्लेसेस का मतलब क्या है कि सपोज ये हमारा लंग है, तो जब इंस्पिरेशन होगा ये थोड़ा बड़ा होगा, ओके, एंड एक्सपिरेशन होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो समझ रहे हो, तो इस ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ रहा है, अंडरस्टूड, यही डिस्प्लेस हो रहा है ना, ये नॉर्मल लंग्स है एक्सपायर्ड, माने जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन, एंड ये आपका हो गया क्या, दिस इज फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है जी, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन माइनस फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक तो है, हमारा कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, आईआरवी ले लिया 40 और 15, तो ये 25 ml हो गया, 25 इनटू 25 ml हो गया हमारा, ये इनटू क्या कर दिया हमने, इनटू 25 ml इनटू 20, ओके, तो ये हो गया 500 ml पर केजी बॉडी वेट, ठीक है जी, तो ये हमारा पर केजी बॉडी वेट 500 ml हो गया, क्या 500 ml पर केजी पर मिनट, ठीक है, तो इसलिए इसका तो होगा, ठीक ही तो होना चाहिए, 500 इंटू 60, ये हो गया पर आवर इंटू 24, इसको हिसाब करो, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक सेकेंड कर देता हूँ, तो ये आ रहा है 7 lakh, हाँ वही है ना, कुछ गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, ए हे, हमने ये भी तो छोड़ दिया ना यार, सुनो टीवी भी हमने छोड़ दिया ना, तो ये तो फोर्सफुल इन फोर्सफुल, फिर नॉर्मल वाला भी है, 25 into 20 इंटू 60 into 24, ये इंटू 10 भी है, ये टीवी इंटू 10, क्योंकि ये तो ये नॉर्मल बढ़ रहा है ना, इसको हमने हिसाब नहीं किया, तो 20 ये हो गया तुम्हारा जो डिफरेंस, ये टाइडल वॉल्यूम, ये 10, 25 डिफरेंस, फिर 10 हो गया टाइडल वॉल्यूम, फिर
20 हो गया ब्रीदिंग रेट, फिर 60 हो गया मिनट, फिर 24 हो गया आवर। इसका देखो कितना आ रहा है, ये 250 into 72, ये कितना हो जाएगा 5000 ना, 5000 into 60, हो गया ना, ये हो जाएगा 720000। ओके, तो ये है ML, तो इसको हटा दो।